क्या बेस निकलती है जब सुपर बाइक साइड से क्रॉस होती है। ओ तो गाइस और ये आरिश मोड़ रहा है यार बाइक। चलो भाई अमान चलते हैं यार। और गाइस ये आ चुकी है KTM 390 और जो कि मैं पहली बार इसको चलाने वाला हूँ गाइस। तो यार बड़ा एकदम अजीब सा लग रहा है, लाइट सा फील हो, बहुत छोटा सा फील हो रहा है। और ये स्टार्ट हुआ, रेडी टू रेस। चलते हैं। अभी गाइस रात हो रही है तो ये नाइट मोड पे आ गई, नहीं तो वाइट पे आ जाती है, मतलब जब दिन में जब चलाते हैं इसको। तो किल स्विच ऑन करते हैं और बस निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बाइक पे और सामने चल रहा है आरिश और अभी आमिर जो है ना पीछे है यार। तो भाई ये तो बड़ा लाइट सा फील हो रहा है एक तो, और पावर बढ़िया है, मतलब पूरी जम के मतलब पावर भरी हुई है इसके अंदर। तो मतलब यार गजब की मतलब अभी तो फीलिंग आ रही है, क्योंकि यार किसी बाइक को जब मतलब आप पहली बार चलाते हो ना तो एकदम एक एक्साइटमेंट सी रहती है यार आपको चलाने की। और लेकिन आप इसको एकदम से मत भगाइए, मतलब जो भी आप कोई नई बाइक चला रहे हैं उसको एकदम से मत भगाइए, क्योंकि पहले उसको समझिए, उसकी ब्रेक को समझिए, उसकी एक्सेलरेशन को समझिए, तब उसको आप चला सकते हैं। जब वो आपको कंट्रोल हो जाए, मतलब जब आपको कंट्रोल होने लग जाए तब आप उसको सही से चला सकते हैं बेसिकली। तो अभी जो है ना, अभी मैं घर से थोड़ा सा ही बाहर आया हूँ और हम जा रहे हैं दिल्ली रोड साइड पे या कोर्ट रोड साइड पे, मुझे मतलब इतना नहीं पता। ओ माय गॉड, कैसी लगी बेनेली की साउंड? कमेंट सेक्शन में यार प्लीज़ मेरे को बताना। और रेड ब्यूटी आरिश की कैसी लग रही है यार? ओ भाई साहब, मतलब यार खींच रहा है तो पूरी बाइक को, मतलब मैं ना अपनी बेनेली मिस कर रहा हूँ यार। ओहो खतरनाक, मतलब के यार जबरदस्त, मतलब इसकी तो पावर है यार इसके अंदर, एकदम से मतलब पिकअप पकड़ रही है बाइक यार। ऐसे बाइक ना, लाइट बाइक हो वो, तो मैं जो बोल रहा था कि लाइट बाइक होनी चाहिए और पिकअप होना चाहिए खतरनाक, मतलब पावर से भरपूर होनी चाहिए गाइस बाइक, तब इतना मजा आता है ना यार गाड़ी को चलाते हुए। बट ये है कि यार ये देख के भी चलानी पड़ती है, क्योंकि हम जो है ना फिलहाल अभी लोकल में चला रहे हैं बाइक। तो क्या है ना यार, लोकल में चलाने में ना थोड़ा सा डर भी लगता है यार, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो इन बाइक्स को लोकल में चलाने में थोड़ा सा डर लगता है। अभी मैं जैसे, मेरे पीछे अमान बैठा है, तो अभी हम नया रूट लेंगे, अभी हम जा रहे हैं इस साइड से। तो ये वाला रूट होने वाला है बिल्कुल नया, क्योंकि इस रूट से बहुत कम हम जाते हैं। तो हम आमिर का वेट कर रहे थे यार, आमिर जो है ना पीछे रह गया था थोड़ा सा। और अभी जो है हम हैं लिंक रोड पे, तो बेसिकली ये वाला एरिया थोड़ा सा थोड़ा कंजस्टेड सा है, मतलब भीड़ रहती है यार दिन में इस वाले रोड पे। तो भाई लोगों, मतलब यार ओहो निकलो, हाँ बच्चा फॉर्म में है। अच्छा और देखो ये डॉगी निकल के भागने लगा बाइक के पीछे, मतलब यार ये देख यार, मुझे ना डॉगी से बहुत डर लगता है, जैसे भागते हैं ना कई बार ऐसा होता है ना आप डर जाते हो और कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है यार। तो मैं जो है ना बहुत धीरे कर लेता हूँ बाइक को। यहाँ पे शादी की तैयारी है, ओ यहाँ पे हमारे भगाने की तैयारी है। ओ भाई कैसी भाग रही है यार, खतरनाक एकदम से, मतलब 70-80 तो ऐसे पकड़ रही है जैसे कुछ भी नहीं है, मतलब यार ये चीज पसंद है मुझे बाइक्स के अंदर। और आपका भाई जो है ना एडवेंचर में शिफ्ट हो गया है, एडवेंचर इतनी फास्ट नहीं भागती, मतलब उसका जो है ना लॉन्ग रूट्स पे चलाने का मुझे जो है कंफर्टेबल में चीज़ ज़्यादा देखता हूँ यार। वाले भाई हमें छपरी राइडर बता रहे हैं। हम छपरी राइडर हैं भाई, हर KTM वाला छपरी राइडर नहीं होता। ओ भाई मतलब यार हम दो बैठे हैं और फिर भी आप पावर देखो कितनी खतरनाक है। तो अभी यहाँ पे हमें एक चौक पे बेसिकली अभी जाने वाले हैं फ्लाईओवर पे, और फ्लाईओवर पे इसकी आवाज़ बैनली की
ये देखो हमारा सहारनपुर इतनी ऊपर से। ओह माय गॉड, हम आ चुके हैं कोट रोड पे और आरिश जो है ना बहुत फास्ट निकल रहा है यार। मेरे हाथों पे भी इतनी बैठी हुई है ना, तो मैं जो है ना बहुत हल्के हल्के जा रहा हूँ। और यहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड है भाई, अभी मैं आरिश को बोलता हूँ ना इसको ना एक्सेलरेट करने के लिए। आरिश एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेट 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 करो। ओ मुझे ना यहाँ पे अपनी बाइक की याद आ रही है, मैं जब यहाँ पे आके पूरा बूम बूम करता हूँ ना, ओ हो हो, अब पता चल रहा है क्या रिएक्शंस आते होंगे मतलब लोगों के। भाई मैं ना इसकी वो भाई वैसे पूरा पेल रहा था अभी, मतलब यार यहाँ पे जाना जाम टाइप का लगा हुआ है तो इसलिए पेली नहीं जा रही है ये फिलहाल। ओ भाई तो गाइज अभी साइड में लगा लेते हैं यार, आमिर जो है ना पीछे रुक गया तो इसको एक बार न्यूट्रल कर देता हूँ यार मैं। और आप एक बार फ्रंट से लुक देखो, मतलब इसका कैसा लुक आ रहा है बेसिकली। तो गाइज ये देखो इसके फ्रंट इंडिकेटर जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जलते हुए ब्लिंकिंग करते कितने खूबसूरत लगते हैं, और बेनली के जो है ना एक साथ जलते हैं। तो ये वाला भी अलग टाइप का, मतलब जिन लोगों को ये पसंद है वो अलग चीज़ है, जिन लोगों को ये पसंद है वो अलग चीज़ है। मतलब यार कमेंट सेक्शन में आप बताना मेरे को कि आपकी कौन सी बाइक के इंडिकेटर्स ब्लिंकिंग ज़्यादा मतलब पसंद है आपको। तो अभी जो है ना हम आमिर का वेट कर रहे हैं, पता नहीं यार आमिर कहाँ रह गया, पीछे रह गया यार, काफ़ी पीछे है। अच्छा ही इज़ हियर, चलो चलते हैं, चलो चलो चलते हैं, चलो चलो। मतलब पहले तो मेरी गाड़ी बहुत हीटअप हो जाती थी, पर अब बिल्कुल ठंडी पड़ी जाता है। तुम अच्छी चला रहे होंगे भाई, ठंडी मतलब टैंक तक गर्मी आ जाती थी बाइक में। अच्छा आमिर की देखना एक बार। अरे यार कभी हो जाता है कई बारी, ठीक है ठीक है, दोनों ठीक है। अभी इतनी चला भी तो नहीं। चलो चलो बस चल रहा है, चलो चलते हैं बस। तो ये जो है ना YouTube का साइन, ये WhatsApp का साइन, ये Instagram का साइन। भाई तुमने अपनी ID तो लिखनी रही। अच्छा ये रही AK World, ये तो खैर आरिश का चैनल है। चले भाई रेडी टू रेस। जाना कहाँ है, तुम्हारे पीछे पीछे चलो। चलो ठीक है। ये क्या, ये कैसी डायरेक्शन है, ये कौन सा मैप है, गूगल मैप है ये गूगल मैप है। भाई रात के बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं, पता नहीं 10 बज रहे हैं शायद, क्या टाइम हो रहा है। क्या बेस लगती है, मतलब क्या बेस निकलती है जब सुपर बाइक साइड से क्रॉस होती है, अजीब मतलब क्या भयंकर वाली साउंड निकलती है यार, मज़ा आता है यार बहुत ज़्यादा। और भाई moments later. तो गाइस अपना काम निपटा के जो है ना यार हम आ चुके हैं बाहर, और ये दोबारा से यहाँ पे एक स्टॉप, और ये स्टॉप पता नहीं क्यों लिया है इन्होंने, क्या हो गया भाई यहाँ क्यों स्टॉप।
गाइज इस बाइक को जैसे मैं चला रहा हूँ यार, तो मुझे सबसे अलग चीज़ पता है क्या लगी अभी तक, बस इसकी सीट थोड़ी सी यार हार्ड लग रही है मेरे को। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर आप सिटी राइड्स कर रहे हैं, मतलब आप थोड़ा कम चला रहे हैं बाइक को, तो आपके लिए बहुत नॉर्मल लगेगी ये सीट। बट अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं इस वाली बाइक पे, तो आपको जो है ना थोड़ा सा ये आपके बम में जो है ना दिक्कत देने वाली है क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है इसकी सीट। तो लेकिन इसके लिए भी आजकल बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आ गए हैं, जो कि जेल सीट्स आती हैं, एयर सीट्स आती हैं, तो वो इस चीज़ की नीड पूरी कर देती है। मतलब वो इस चीज़ की शिकायत नहीं होने देगी इस बाइक के अंदर। तो